कटहल का अचार बनाना बताऊँ। इसको हम बॉयल करके थोड़ा सा इसको धूप में इस तरह से सुखा लिए। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। दो चम्मच हल्दी, मसाले में इसमें दो चम्मच सौंफ है और दो चम्मच जीरा, आधा स्पून मंगरैल और आधा स्पून धनिया, आधा स्पून मेथी। इसे हम रोस्ट करके खुशबू आने तक इसको रोस्ट किए हैं। उसके बाद ये ठंडा करके दरदरा पीस लिए हैं। ये हमारे अचार के मसाले हैं। इस मसाले को हम एक चम्मच और दो चम्मच इसे डाल दिए। ये सूखी लाल मिर्च है, इसे भी हम थोड़ा सा रोस्ट करके दरदरा पीस लिए हैं मिक्सी में। इसे भी हम दो चम्मच डालेंगे। ये पीला सरसों है, पीला सरसों, इसे भी थोड़ा दरदरा हम पीस लिए हैं। इसे कच्चा ही पीसे हैं। इसे भी हम दो चम्मच डाल देंगे। और ये इसमें काला नमक है और सफेद नमक भी है नीचे, तो इसे भी हम डाल देंगे स्वाद अनुसार। ये विनेगर है, इसे भी हम एक बड़ा चम्मच डाल देंगे। ये हमारा विनेगर एक बड़ा चम्मच। थोड़ा सा ये धनिया और कलौजी और सौंफ, ये थोड़ा सा दरदरा है, इसे भी थोड़ा सा डाल देंगे, देखने में अच्छा लगेगा, डेढ़ चम्मच। इसके बाद हम तेल डालेंगे, एक चम्मच, दो चम्मच, तीन चम्मच, चार चम्मच, तेल को हम गरम करके और ठंडा कर लिए थे। इसके बाद इसको हम मिक्स करेंगे सभी को। थोड़ा सा हम इसमें रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे कलर के लिए, एक चम्मच। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैं अचार को जार में भर रही हूँ। मुझे थोड़ा सा तेल इसमें कम लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा और तेल डाल दी हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसे एक दो दिन का धूप जरूर से दिखा दीजिएगा, ये कभी खराब नहीं होगा, खाने में बहुत टेस्टी है, और आप भी बनाइए। अचार की रेसिपी आप सबको कैसी लगी? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू गाइस।